हमारा चैनल एंड ये हमारी थर्ड वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट का फेव आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं। फेव आइकन इन द सेंस जो वेबसाइट का हमारा आइकन होता है, देखो इधर जो मेरे कर्सर पर दिख रहा है आपको, हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम इस पर ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे एंड उसके बाद सेटिंग्स में आएंगे एंड इधर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फेव आइकन का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो पहले चूज़ फाइल करने से पहले हम थोड़ा फेव आइकन को बना लेते हैं, है ना। फेव आइकन को बनाने के लिए सबसे पहले हम canva.com पर जाएंगे एंड हम एक फेव आइकन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट ले लेते हैं इधर से, एंड इधर से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और इधर पर लिखता हूँ हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम लेब्रोना टेक है। तो हम इधर एल लिखेंगे एंड इधर टी लिख देंगे, दूसरी हेडिंग ले जाकर और इधर टी लिख देंगे, एल टी। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, इतना बड़ा आई थिंक, इतना बड़ा, एंड इसको भी मैं बड़ा कर दूँगा काफ़ी, इसको मैं इतना बड़ा कर देता हूँ। और ये हमारा फेव आइकन बन चुका है, लगभग रेडी हो चुका है। देन इसको आई थिंक थोड़ा क्रिएटिव बनाना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ और इसको थोड़ा मैं नीचे लेके आता हूँ ऐसे। आई थिंक मैं इसको, इसके थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ऐसे, मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको मैं इससे मिला दूँगा थोड़ा इसके बराबर, एंड ये हो गया, ये हमारा फेव आइकन बन चुका है। इसको मैं थोड़ा लाइन सेंटर में कर देता हूँ, ऐसे। तो शायद ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है यार, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। हाँ ये सही है, लेब्रोना टैग। तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ और इधर डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। देन अभी ये डाउनलोड हो चुका है और फिर हम एक और वेबसाइट पर जाएंगे जिसका नाम है फेव आइकन जनरेटर। मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ, इसका नाम है फेव आइकन जनरेटर .org है ना, ओर्ग। आपको ये मिल जाएगा, देन आपको इधर से ड्रैग करना है और इधर ड्रॉप कर देंगे, या फिर आप मैन्युअली इधर से चूज़ फाइल करके और फिर उधर से कर सकते हैं, बट मैं इसको अभी ऐसे ही कर देता हूँ और इसको जनरेट फेव आइकन पर क्लिक कर दूँगा। देन ये हमारा जनरेट कर दिया है इसने, और इधर जो ये डाउनलोड द जनरेटेड फेव आइकन, इसको हम इस पर हम क्लिक करेंगे, देन हमारे पास एक जिप फाइल आ जाएगी, मतलब डाउनलोड हो जाएगी। देन दोबारा से हम अपनी वेबसाइट में आएंगे और इधर से चूज़ फाइल करेंगे, देन इधर से जो हमारी जो ये फेव आइकन का जो जिप फाइल आया था इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, और ये हमारी एक्सट्रैक्ट होने लग रही है, इस पर ओके का क्लिक करेंगे, देन ये हो चुकी है। देन अभी हम अपने जो भी हमने बनाए हैं, सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा 96x96 का, देखो ये रहा, ये हमारा बिल्कुल सही और मतलब बिल्कुल सही साइज का हमारा ये होता है फेव आइकन। तो हम इसको ओपन कर लेंगे एंड इसको सेव कर देंगे, देखो ये रहा, हम इसको इधर से सेव कर देंगे एंड ये हो चुका है। तो अभी अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी आपका ये नहीं आएगा, इसके लिए आपको 1 आवर या फिर हाफ आवर आपको थोड़े वेट करना पड़ेगा, फिर आपको इधर ये अपडेट हो जाएगा। ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा मतलब इसको अपडेट करने में, जैसे हमारा कस्टम डोमेन होता है ना कि थोड़ा टाइम लेता है अपडेट लेने में, तो ऐसे ये फेव आइकन भी है, साइट पर अपलोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो बस थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और फिर आपका ये फेव आइकन इसमें अपडेट हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो ये नीचे लाइक करके बताइए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बने रहिए। तब तक बाय बाय, थैंक यू।